नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। कानपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा जवाहर विद्या समिति की भूखंड संख्या 70 ब्लॉक व योजना जूही कला की रजिस्ट्री 1984 में की गई थी, तब से लेकर आज तक केडीए ने जमीन को जवाहर विद्या समिति को कब्जा नहीं कराया, जिसके बाद आवंटी ने पूरे मामले की शिकायत उपभोक्ता फोरम में की, जिससे आवंटी के पक्ष में निर्णय सुनाया गया, जिसके बाद केडीए भी आवंटी को केडीए ने कब्जा नहीं दिलाया गया, जिस पर आवंटी के द्वारा उपभोक्ता फोरम के आदेश का पालन न कराने पर मामले को सर्वोच्च न्यायालय भेजा गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 4 हफ्ते के भीतर आवंटी को कब्जा दिलाने का आदेश दिया था। वहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कानपुर विकास प्राधिकरण के सचिव अभय कुमार पांडे केडीए ओएसडी भारी पुलिस फोर्स और बुलडोजर लेकर कार्रवाई करने पहुंचे थे, मगर केडीए की टीम को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा। केडीए की टीम को देखते स्थानीय लोगों ने केडीए के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बुलडोजर के सामने खड़े हुए और किसी भी कीमत पर विवादित जमीन पर बने पार्क को उजाड़ने से रोक दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्तमान स्थिति में जिस स्थान को केडीए की टीम खाली कराने आई है, उसे नगर निगम की तरफ से पार्क पाथवे में बनाया गया है, जिसमें लोग सालों से टहलते हैं। साथ ही पार्क में सैकड़ों 30 से 40 साल पुराने बड़े पेड़ लगे हैं, जिससे केडीए उजाड़ना चाहती है, जिसे लोग उजाड़ने नहीं देंगे। वहीं केडीए सचिव अभय कुमार पांडे ने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उनकी टीम जमीन को खाली कराने आवंटी को कब्जा दिलाने आई थी, मगर जनता का आक्रोश देखते हुए कार्रवाई नहीं की जा सकी है। दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही, पूरे मामले में बीच का रास्ता निकाला जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि जैसा इस पार्क में पार्क है, बहुत बड़ा से मंदिर भी बना है, लगभग 250-300 पेड़ लगे हैं, बहुत बड़े बड़े 40-50 साल पुराने पेड़ हैं। एक संस्था को कभी ये 84 में आवंटन दिया गया था केडीए के द्वारा स्कूल के लिए, उसके बाद उसका आवंटन निरस्त कर दिया गया, क्योंकि उन लोगों ने पूरा पैसा जमा नहीं किया, इसलिए निरस्त कर दिया गया। तब से ये बिल्कुल पार्क है, बिल्कुल पूरी तरह से नगर निगम ने इस पार्क में पाथवे बनाया है, बाउंड्री वॉल बनाई है, सब वृक्ष लगाया है और लाइट भी लगाई गई है, बड़ी बड़ी लाइटें भी लगी हैं और पार्क की तरह से इसका उपयोग हो रहा है। केडीए से मिलकर कुछ लोगों ने, भूमाफियाओं ने इसका अलाटमेंट करा लिया और वहीं पर बैठकर बिना स्थल निरीक्षण किए केडीए के लोगों ने इसकी रजिस्ट्री कर दी। रजिस्ट्री करने के बाद जब हम लोगों ने विरोध किया तो वो लोग कोर्ट चले गए और कोर्ट से एक बिना केडीए की लचर पैरवी के कारण वो उपभोक्ता फोरम से और आदेश हो गए और उस आदेश को आधार बनाकर, उस आदेश को ढाल बनाकर ये लोग यहाँ पर कब्जा लेने के लिए आए थे। आज क्षेत्रीय जनता ने, आप देख रहे हैं कि बहुत सारी क्षेत्रीय जनता यहाँ पर इकट्ठा है, उन लोगों ने विरोध किया, वो लोग पुलिस बल लेकर और जेसीबी लेकर आए थे, जेसीबी के सामने महिलाएं लेट गई और उन्होंने कहा किसी कीमत पर पार्क में कब्जा नहीं होने देंगे। आप देख रहे हैं कि अभी माननीय प्रधानमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम का आह्वान किया पूरे देशवासियों से, पूरे देश में हर जगह पेड़ लगाए जा रहे हैं। इस पार्क में भी एक पेड़ माँ के नाम आह्वान पर पेड़ अभी 150 पेड़ फिर से लगाए गए थे। केडीए के अधिकारियों का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, सर्वोच्च न्यायालय ने, आप लोग ने क्या कोई कानूनी कार्रवाई, सर्वोच्च न्यायालय ने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया है। जो उपभोक्ता फोरम का आदेश था उसके अनुपालन के लिए लोग हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इनका अनुपालन किया जाए और उसी पर उन्होंने वीसी के खिलाफ, जो तत्कालीन उपाध्यक्ष कानपुर विकास प्राधिकरण थे, उनके खिलाफ एक 5 लाख की पेनल्टी लगा दी गई, जिसके उसको लेकर केडीए एसएलपी दाखिल की केडीए ने सुप्रीम कोर्ट में, वो जो पेनल्टी लगाई गई थी वो खत्म हो गई। इसके बाद कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। ये लोग बताया कि गुमराह करके सुप्रीम कोर्ट को आधार बनाकर ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसलिए प्रदर्शन दिया जाना है, तो ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय जनता इसके लिए तैयार नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश ऐसा दिया भी है तो ये देखना चाहिए कि यहाँ पार्क में इतने बड़े पेड़ काटकर कैसे कब्जा दिया जा सकता है। उनको वैकल्पिक प्लाट दिए जाने का ऑफर दिया गया, केडीए ने 8 प्लाट उनको वैकल्पिक देने के लिए भी ऑफर दिया है, लेकिन ये भूमाफिया लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि यहीं की जमीन मिले और वो जमीन, इस जमीन को लेने के लिए उन्होंने सारा मैनिपुलेशन किया है, सारा उन्होंने षड्यंत्र किया है, उस षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हम लोग भी कानूनी कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि पर्यावरण को लेकर पूरे विश्व में इस समय अभियान चलाया जा रहा है, एक पेड़ ना कटने पाए इसके लिए सारा पूरा प्रयास सरकार का भी रहता है, जनता का भी रहता है, और ऐसी स्थिति में इतने सारे पेड़ काट कर किसी को कब्जा देना, भूमि माफिया को कब्जा देना कतई उचित नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर ये गोविंद नगर में एक प्लॉट है जो है, जो कि स्कूल का प्लॉट था और कालांतर में ओवर पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे यहाँ पर पार्क के स्वरूप में ये डेवलप हो गया था। तो चूंकि जो मूल आवंटी इसका था उसने एक एग्जीक्यूशन सूट फाइल कर रखा था, उसने कई पिटीशन फाइल की कंज्यूमर फोरम में,
और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये प्रकरण जो है न्यायालय में विचाराधीन रहा। उसमें जो भी आदेश प्राप्त हुए उस आदेश के क्रम में फिर इन्होंने एक एग्जीक्यूशन सूट भी फाइल किया कि मौके पर कब्जा दिलाया जाए आवंटी को। तो वो आवंटी को मौके पर कब्जा दिलाए जाने के लिए प्रयास जो है केडीए के द्वारा किया जा रहा है। और मौके पर आज काफी जो है जब कब्जा दिलाने का प्रयास किया गया तो काफी लोग यहाँ लोकल लोग एकत्रित हो गए, उनके द्वारा विरोध किया गया और जनभावनाओं को देखते हुए दोनों पक्षों में भी ये बात की सहमति बनी कि एक बार बैठ कर पुनः विचार कर लिया जाए। तो जनभावनाओं को देखते हुए अभी इस कार्रवाई को आज स्थगित रखा गया। हालांकि केडीए की तरफ से पूरा प्रयास किया गया कि कोर्ट के आदेश का कंप्लायंस किया जाए, परंतु चूंकि जनभावनाओं के दृष्टिगत और शांति व्यवस्था के दृष्टिगत जो है ये संभव नहीं हो सका, तो हम लोगों ने जो है इस पर पुनः कल एक बैठक भी दोबारा हम लोग करेंगे और दोनों पक्षों के साथ पुनः एक बार विचार करेंगे कि इसमें हमारे पास और क्या ऑप्शन है। नहीं, रजिस्ट्री को नहीं कैंसिल किया था एक्चुअली, ये जो है एक बार इनका आवंटन हुआ, आवंटन के बाद इनको डीड एग्जीक्यूट हो गई थी जो है, बाद में जो है इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से कैंसिल करने का एक प्रयास हुआ है, परंतु उसके बाद भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये प्रकरण गया है और कोर्ट ने उसको माना नहीं जो है, क्योंकि एक बार जो है डीड जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है कोर्ट में, तो जब तक वो कैंसिल नहीं होती है तब तक एग्जिस्ट करती है जो, ठीक है। तो उसके दृष्टिगत आज की डेट में जो भी हमारे पास लीगल ऑप्शन थे हम लोग उसको भी एक्सप्लोर कर रहे थे जो है, और कोर्ट में चूंकि अवमानना की कार्रवाई चल रही है, वो 72 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो है उपाध्यक्ष महोदय के विरुद्ध भी कार्रवाई के लिए बार बार डेट लग रही है, तो इसलिए जो है केडीए के द्वारा जो अपने शासकीय दायित्व उसके निर्वहन के लिए प्रयास किया गया।